सेठ जी अलवर की जो है प्याज मंडी है, इसमें आज प्याज का बीज का क्या भाव देखने को मिल रहा है? भाई साहब इसमें आज का प्याज का भाव बीज देखने को मिल रहा है, लेकिन 1500 से 1700 रुपये, ये है गुजरात के बीज का भाव। गुजरात का जो तलाजा बीज जिसके पास मार्केट हाँ जी में हाँ हो, जी तो ये गुजरात वाला बीज है, ये गुजरात वाला बीज है तलाजा, क्या भाव 1500? ये 1500 रुपये से 1700 रुपये, 1700 रुपये क्विंटल ऊंचे में इसका ऊंचा। भाव हाँ जी हाँ जी, आज के बाजार ही है। और जो गांव का देसी बीज है उसका क्या भाव है? उसका मान के चलो भाई साहब आप 1800 से 2000 रुपये। 1800 से 2000, हाँ यानी जी, कि 2000 से ऊंचा अलवर की मंडी में भाव नहीं है आज किसी का भाव चीज़ नहीं है भाई साहब। का, तो इतना कम भाव का क्या कारण हो सकता है? भाई साहब कारण यही है कि जमींदार इस बार बहुत कम फसल लगा रहा है प्याज की। प्याज कम लगा रहा है प्याज जमींदार, हाँ जी हाँ क्या जी, कारण है? कारण यही है, जो जमींदार नए थे उन्होंने तो प्याज लगाना बंद कर दिया, जो परमानेंट किसान है वो अपना घर का बीज खुद तैयार करते हैं, तो इस वजह से वो खुद के बीज खुद लगा रहे हैं खेत में, तो नए कस्टमर है जो पिछली बार ने जो प्याज लगाई थी नुकसान होने की वजह से वो सारे इस बार प्याज नहीं लगा रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब की बार जो किसान है उन्होंने बीज ज्यादा बना लिया। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो नए कस्टमर थे वो प्याज नहीं लगा रहे हैं इस बार। तो राहुल जी, यदि इस बीज की अपनी बात करें तो एक बीघे में अलवर में जो 25 एयर का जो बीघा होता है, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें इस साइज का बीज कितना लग जाता है? इस साइज का बीज वैसा 5 क्विंटल लगेगा बीघे के अंदर। 5 क्विंटल लगेगा, तो 17×5 85, यानी कि 8,500 में एक बीघा हाँ भर जी भाई साहब, साढ़े आठ जाएगा। हजार रुपये में एक बार भर जाएगा। और गांव का बीज है अपने पास हाँ में, गांव का बीज है अपने पास में सर, वो किधर है? वो चलो आपको दिखाते हैं, इधर है वो, खाली हो रहा है अभी हमारे पास। ये बीज कहाँ से लेकर आते हो गांव वाला? ये गांव के वाले हम यहाँ से अलवर के जो गांव है आसपास के जो प्याज तैयार बीज तैयार करते हैं उनके पास, किसानों के पास से लेकर आते हैं। जो किसान ज्यादा बीज बना लेते हैं उनसे अपने बीज लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, अब की बार ये जो प्याज का रकबा है घटेगा या बढ़ेगा अलवर में? भाई साहब अब की बार पिछले साल से रकबा घटेगा। इसका कारण ये कि नए किसान प्याज नहीं लगा रहे हाँ हैं। जी हाँ जी, और वो एक जलेबी जो वाला रोग लगा था उसकी वजह से किसान डरे हुए हैं। यह है गांव का हाँ देसी जी हाँ बीज, जी, ये अपने गांव का देसी बीज। तो ये राहुल जी ये देखो कौन सा बीज है? ये अपने पास एलोरा का बीज है, एलोरा चाइना किंग। अच्छा, ये बीज अलवर में बनाया जाता है हाँ, अलवर के किसान खुद तैयार करते हैं इसको। और फिर इसको हवा में छायादार जगह लटका कर हाँ रखते जी हैं हाँ पूरे जी, समय, सूखे जगह में और छायादार जगह में लटका कर रखते हैं। तो उसका क्या भाव समझे? इसका मान के चलो आप 2000 रुपये। 2000 रुपये क्विंटल है। हाँ जी, इसको राहुल जी पहचानी होती है कि कौन सा बीज है, ऐसे कोई बता सकता है? हाँ भाई साहब इसकी पहचान नहीं होती, जो अपना बीज है ना ये ब्रांडेड जो बीज होते हैं ये होते हैं लंबे साइज में, जैसे कि अपने जो ये जैसे कुछ लंबाई में हाँ रहता ये है, जैसे लंबाई ये में होते हैं, कुछ बीज गोल होता गंडी है के बजाय ये लंबे होते हैं और कलर लाल होता है इनका। इसका 2000 का भाव इसका है। 2000 का भाव है अभी और कितने दिन तक प्याज के बीज का जो कारोबार है वो चलेगा? भाई साहब, वो इस 9 महीने में चलेगा, सितंबर सितंबर तक। बाकी बार वैसे भी सुनने में आ रहा है कि प्याज है जो लेट तक लगाई जाएगी। हाँ जी भाई साहब, चलो ठीक है सर।